प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते में दूसरी बार उत्तर प्रदेश पहुंचे। शाहजहांपुर में किसान कल्याण रैली में उन्होंने बिना नाम लिए राजीव गांधी और राहुल गांधी पर तर्ज कसा। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने उनसे पूछा कि अविश्वास का क्या कारण है, जब नहीं बता पाए तो गले पड़ गए। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। इस बैठक के दौरान काउंसिल ने सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने बताया कि बांस को 12% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिदनापुर रैली में पंडाल गिरने पर तंज कसा। उन्होंने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग एक पंडाल नहीं संभाल सकते वो देश का संभालेंगे। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी 2019 का आम चुनाव अकेले लड़ेगी। इस चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, जिसकी शुरुआत बंगाल से ही होगी। राफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लगाए आरोपों को फ्रांस ने सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनसे कहा है कि राफेल जेट सौदे पर भारत के साथ उनकी सूचना को गोपनीयता रखने का कोई समझौता नहीं हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया तो देश भर में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। वहीं बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए ट्वीट किया, नमो को बुद्धू को गले लगने देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। रूसी और नॉर्थ कोरियाई गले लगने की तकनीक का इस्तेमाल जहरीली सुई चुभोने के लिए करते हैं। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सलीम शाह की हत्या कर दी है। सलीम का गोलियों से छलनी शव शनिवार को कुलगांव के केमो घाट इलाके में मिला। सलीम को शुक्रवार रात कुलगांव स्थित उनके घर से अगवा किया गया था। 2 महीने में यह तीसरा मामला है जब आतंकियों ने किसी जवान को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। पिछले दिनों भाजपा से इस्तीफा दे चुके और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे चंदन मित्रा को लेकर लगाए जा रहे कयास सही साबित हुए। मित्रा ने ममता बनर्जी की टीएमसी का दामन थाम लिया है। उनके अलावा पूर्व सीपीएम सांसद मोनियल हसन, कांग्रेस की सबीना यास्मीन और मिजोरम के एडवोकेट जनरल विश्वजीत देव भी टीएमसी में शामिल हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय दिए गए राहुल गांधी के भाषण की शिवसेना ने तारीफ की है। शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की तरह खेल जीत लिया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्रोएशिया की तरह हारकर भी सबका दिल जीत लिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई और अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल के बीच डीएनडी ऐप को लेकर तनातनी बढ़ गई है। ट्राई ने फर्जी कॉल और स्पैम मैसेज रोकने के लिए मोबाइल कंपनियों को अपने ऐप स्टोर पर उसका डीएनडी 2.0 डाउनलोड करने का विकल्प देने को कहा है। इसके लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। एप्पल इसके लिए तैयार नहीं है, वह इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ने वाली निदा खान के खिलाफ एक और वादास्पद फतवा जारी हो गया है। फतवे में दोनों ही महिलाओं को 3 दिन के अंदर देश छोड़कर जाने को कहा गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनका सिर मुंडवा कर पत्थर से मार मार कर देश से बाहर निकाल दिया जाएगा और ऐसा करने वाले को 11,786 रुपए का इनाम दिया जाएगा।